अस्सलाम वालेकुम, हसन महमूद फ्रॉम प्रॉपर्टी सर्विसेज रियल एस्टेट। जैसे मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा डेली वाइज वीडियो में फाइल्स के रेट अपडेट करता हूं, ऐसे ही इस वीडियो में आपको फाइल्स के रेट अपडेट करूंगा। आज 5 मार्च 2022 सैटरडे। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं रेट्स के हवाले से, मैं उनको यही कहता हूं कि हमेशा ये जो मैं जिस टाइम पे आपको रेट दे रहा होता हूं ये उस टाइम के रेट होते हैं। आप जो फ्लक्चुएशन होती है रेट में वो आप मेरे से कॉल पे पूछ सकते हैं कि क्या रेट है इस टाइम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं डीएचए गुजरांवाला के हवाले से, गुजरांवाला की फाइल है 5 मरला। सबसे पहले आपको उसका बताता चलूं कि 5 मरला जो एलोकेशन गुजरांवाला की फाइल है उसका रेट है 4275, और जो 10 मरला की फाइल है उसका 64 है, और जो 1 कनाल की फाइल है उसका 9775 है। डीएचए फेज 7 की 5 मरला फाइल के हवाले से अगर आपको बताऊं तो उसका रेट जो 5 मरला का है वो 6350 है, और जो 8 मरला का रेट है वो 83 है, और जो 10 मरला का रेट है वो 112 है, 1,12,00,000 रुपए, और जो 1 कनाल की फाइल है उसका 1,85,00,000 रुपए है। ऐसे ही अगर आपको टाउन के हवाले से बात करूं तो टाउन का एफिडेविट थोड़ा सा महंगा हो चुका है। टाउन की जो एलोकेशन फाइल है वो 73 की है, और जो एफिडेविट है वो मार्केट में 75 का भी कोड हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं टाउन के हवाले से कि टाउन की जो फाइल्स हैं मार्केट में एफिडेविट जो एकदम तेजी से महंगा हुआ है उसकी वजह है कि प्रिज्म को भी कुछ पोजेशन आ चुका है, और टाउन में भी ओवरऑल घर बन रहे हैं, और एलोकेशन फाइल्स जो है उनकी बैलेट भी हो जाएगी, लेकिन वो अभी किसी को नहीं पता कि कब होगी, लेकिन बैलेट एलोकेशन फाइल की डीएचए जरूर देगा। हम क्वेटा के हवाले से बात करें तो क्वेटा का जो 1 कनाल का एलोकेशन है वो 1,20,00,000 रुपए का है, और जो एफिडेविट है वो 1,05,00,000 या 1,06,00,000 रुपए का है। हम एफिडेविट की अगर बात करें, क्लाइंट मेरे से पूछ रहे थे कल भी कि एफिडेविट इतना सस्ता क्यों है और एलोकेशन एकदम इतना महंगा क्यों है, क्योंकि इसकी बैलेट करीब है, अभी बैलेट की डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन इसकी जो एफिडेविट की ट्रांसफर है एलोकेशन में वो रोक दी गई है, जिसकी वजह से एफिडेविट का रेट वहीं स्टॉप हो चुका है। अब हम डीएचए भावलपुर के हवाले से बात करें, डीएचए भावलपुर का जो जनरल एफिडेविट है वो 5850 का है, और जो जेड सेक्टर का है वो 6150 का है। ऐसे ही अगर हम बात करें फेज 9 प्रिज्म के हवाले से, फेज 9 प्रिज्म का जो 5 मरले की फाइल है वो 6250 की है, और जो 10 मरले की फाइल है वो 1,14,00,000 रुपए की है, और जो 1 कनाल की फाइल है वो 1,80,85,00,000 रुपए मार्केट में आस्किंग हो रही है। इसमें कनाल की एक्सटेंशन फाइल भी है जिसको हम बोलते हैं फेज 9 एक्सटेंशन 1 कनाल फाइल, वो 1,45,00,000 रुपए से लेकर 1,50,00,000 रुपए तक मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें फेज 10 के हवाले से तो फेज 10 की जो 5 मरला की फाइल है उसका 55,00,000 रुपीज रेट है, और जो 10 मरला की फाइल है उसका 85,00,000 रुपीज रेट है। इसमें फ्लक्चुएशन जो 10 मरला है उसमें आती रहती है डे बाई डे, और 5 मरला में, क्योंकि 5 मरला की जो फाइल है वो मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है, जिसपे ट्रेड जो है वो 10 मरला पे और 1 कनाल पे हो रही है। ऐसे ही हम बात करें डीएचए सिटी के हवाले से, डीएचए सिटी की जो 5 मरला की फाइल है वो 37,00,000 की है, और जो 10 मरला की फाइल है वो 67,00,000 की है, और जो 1 कनाल फाइल है वो 93-92 में भी अवेलेबल है। तो मेरा दिया गया नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप किसी भी टाइम मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और जो करंट रेट हो फाइल का वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके लिया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।